गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सी इंटरमीडिएट एथिक्स की इस क्लास दोस्तों पे 11 का स्टार्ट किया था, हमने था, हमारा 11, में सबसे पहले ने क्या डिस्कस किया मीनिंग ऑफ एथिक्स क्या है इट इज स्टेट ऑफ माइंड एथिक्स क्यों जरूरी है क्यों क्योंकि यही बेसिकली आपका मॉरल कैरेक्टर आपकी ट्रस्ट पब्लिक में आपकी इमेज प्रोफेशन में आपकी इमेज ये सब बना के रखते हैं होता क्या है एथिक्स एथिक्स बेसिकली आर द मॉरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न द बिहेवियर कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन नंदन से आते हैं ये आपके संस्कार हैं और स्टेट ऑफ माइंड है क्या जरूरत है इस पे क्वेश्चन क्या आएगा किसी ने पूछा है यही आएगा व्हाट इज द नीड फॉर एथिक्स डायरेक्ट तो एथिक्स की जरूरत क्या है तो uh, अल्टीमेटली एथिक्स ही अल्टीमेटली आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करेंगे क्योंकि यूजर्स हम पे कॉन्फिडेंस रखते हैं ट्रस्ट रखते हैं तो वो ट्रस्ट तभी पूरा होगा जब हम एथिकल काम करेंगे एथिक्स का मतलब है कि हम मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तभी हमें रिस्पेक्ट और ऑनर मिलेगा आईसीआई की इसलिए जिम्मेदारी है कि बहुत स्ट्रिक्ट एथिक्स रखे ताकि लोग हम पे पूरा कॉन्फिडेंस रख सके क्योंकि लोग उन्हीं एथिकल प्रोफेशन को प्रेफर करते हैं जिनके स्ट्रिक्ट एथिक्स होते हैं अकाउंटेंसी प्रोफेशन का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है और इस कारण से लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक ढाल की शील्ड की तरह देखते हैं तो एक सीए प्रैक्टिस में हो या जॉब में हो उसको एथिकल बिहेवियर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का कंप्लायंस करना चाहिए ताकि लोग सिक्योर फील कर सके कि हाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दी गई रिपोर्ट है तो मैं आश्वस्त हूँ कि यह सब सही होगा कोई भी डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म जो इंस्टीट्यूट ने एथिक्स बनाया उसके अगेंस्ट में आप जाओगे तो आपके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकता है जैसे कि आपको मेंबरशिप से हटा सकता है पेनल्टी इंपोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है प्रिंसिपल और रूल बेस्ड एथिक्स में फ़र्क यह है कि रूल बेस्ड रिजिड हो जाते हैं और इसलिए प्रिंसिपल बेस प्रेफर किए जाना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल बेस में हम सिद्धांत देते हैं जो हर सिचुएशन में आपको फॉलो करने और हर सिचुएशन का एक कंक्लूजन देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कोडोबिक्स में पांच है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर कॉन्फ़िडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर इंटीग्रिटी के अंतर्गत तीन चीज़ें एक तो ऑनेस्ट रहना है फेयर डीलिंग करनी है और फाइनली हमें इंश्योर करना है कि हम असोसिएट ना हूँ अपने आप को ना करें किससे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ओमिटिंग इन्फॉर्मेशन और स्क्योरिंग या नेग्लीजेंटली प्रिपेयर्ड इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिविटी हमारा जजमेंट अनबायस्ड रहे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर हम टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से काम कर पाए अपडेटेड रहे हम प्रोफेशनल ड्यू केयर के साथ काम कर पाए लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो कर पाए कॉन्फिडेंशालिटी हम तब तक इंफॉर्मेशन शेयर ना करें जब तक लॉ की रिक्वायरमेंट क्लाइंट की परमिशन या हमारी कोई ड्यूटी ना हो एथिकल शेयर करने की और कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन ना हो ताकि फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आ सके और प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है कि हमें प्रोफेशनली बिहेव करना है विथ ड्यू केयर विदाउट केयरलेसनेस एंड कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे रेपुटेशन इंस्टीट्यूट की खराब हो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर जो कि एक स्टेट ऑफ माइंड है इंडिपेंडेंस में हमने देखा कि जजमेंट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी सबॉर्डिनेट टू द विशेज ऑफ द पर्सन एम हिम और इज ओन प्रोफेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि इंडिपेंडेंस आप कितना भी कर लो आप इसे कभी भी रूल्स में बांध नहीं सकते सुपरफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस पर्याप्त कभी भी नहीं होंगे इसलिए आपको जरूरी रखना है दो चीजें यू शुड हैव इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एज वेल एज इंडिपेंडेंस टू अपियर इन अपियरेंस इन माइंड का मतलब यह है कि आप बिना इंफ्लुएंस के इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम कर सो ये शब्द हम आज समझेंगे और इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस का मतलब है कोई भी रीजनेबली इंफॉर्म नॉलेजेबल थर्ड पार्टी को देख के ऐसा ना लगे कि हमारी है। और आप लिख कि इसके ऊपर आपको पक्का क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप सर क्यों क्योंकि ये नया ऐड किया है आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में पहले नहीं होता था और जब ये फाइनल में ऐड किया था तब वहां पर भी इस पे क्वेश्चन आए थे इंटर में ऐड हुआ है, तो यहां पर भी आएंगे ये फाइनल में भी पढ़ेंगे इंटर में भी पढ़ रहे हैं टू इंडिपेंडेंस समझिए कल मैं बात कर रहा था दोस्तों कि आप कितना भी कर लो कोई भी व्यक्ति की इंडिपेंडेंस को हम नियमों में बांध नहीं सकते कि ऐसा ऐसा कर लो तो तुम इंडिपेंडेंट रहोगे इस कारण से ये जरूरी है कि इंडिपेंडेंस हमें सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्वयं फॉलो करना ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर सकती तो क्योंकि मुझे स्वयं को इंडिपेंडेंट रहना है इंडिपेंडेंस फॉलो करनी है इसलिए मुझे एक चीज समझना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जो मेरी इंडिपेंडेंस को थ्रेटन करेगी जैसे कि मैं जिनका ऑडिट कर रहा हूं उनसे ही फीस ले रहा हूं तो मेरी इंडिपेंडेंस अफेक्टेड है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बिना फीस के ऑडिट करूं इसका मतलब यह है कि दर इज अ थ्रेट कि मैं उसी के थाली में कहीं छेद ना कर दूं जिसकी थाली में खा रहा हूं तो ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि मैं उसकी थाली में खा रहा हूं क्योंकि मुझे खाना दिया उसने नहीं है जिसकी थाली है मुझे खाना शेयर होल्डर ने दिया है थाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के और शेयर होल्डर ने बोला अच्छे से खाना पर ध्यान रखना खाने में कुछ गड़बड़ है तो हमें बताना जरूर क्योंकि हमने पैसा दिया है खाना बनाने वाले को हम चेक करना चाहते हैं कि वो सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर फिर क्या होगा कई सारी कंपनी में हम भी जानते हैं दोस्तों शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आज भी कई सारी फैमिली ओन बिजनेस सेम होते तो प्रॉब्लम हमारे साथ इतनी हो सकती है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूँ और मैंने बोला कि यार इसमें कुछ गलती हो सकता है मैनेजमेंट बुरा मान जाए ऑफेंटेड फील करे और बोले अच्छा ज्यादा गलतियां निकाल रहे हो निकाल लो ये तुम्हारा आखिरी ऑडिट है मैंने बोला रहे नहीं नहीं मालिक ऐसा मत करना अगर आपने हमारा ऑडिट बंद कर दिया तो हमारी तो सबसे बड़ी फीस ही आपसे आती है पर अगर आप ही नहीं रहे तो हो हमारी एंटिटी का क्या होगा हो प्लीज ऐसा ना करे उसने बोला अगर चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद तभी कर सकते जब तुम हमारी मदद करो अस सो दैट वी कैन हेल्प यू चुपचाप अच्छी रिपोर्ट बना दो गलतियां हम ठीक कर देंगे बस हाईलाइट मत करो और तुम आश्वस्त हो तो जाओगे अगली बार तुम्हें ऑडिटर दोस्तों तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक गिव एंड टेक के रिलेशनशिप है आपको ऐसी चीज हम नहीं होना चाहिए ऐसे कमर झुका के एक सीए को नहीं चलना है लेकिन उसको ऐसे तन के चलना है और उसे ऐसे कहना है कि सन गलती करी है तो हम तो रिपोर्ट करेंगे हमारी ड्यूटी है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे एक क्लाइंट चाहो हम तुम्हारा ऑडिट करें लेकिन ये मत समझना कि हम तुम पर डिपेंडेंट है तुम्हारे जा रहे बहुत सारे हमारे पास आपके ऊपर थ्रेट क्या है थ्रेट यह है कि आपका इंटरेस्ट है क्या इंटरेस्ट है कि भैया हम उससे पैसे कमा रहे हैं तो इस थ्रेट से दूर रहने का सबसे सही तरीका क्या है आप कोशिश करो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रैक्टिस किसी एक क्लाइंट के ऊपर प्रेडोमिनेंटली डिपेंडेंट ना हो आपके कई सारे क्लाइंट हो जहां से आपके पास इनकम आती हो इस तरह से ये थ्रेट्स हैं जिनसे हमें क्या करना है सेफ बिल्ड करना

एक्सक्यूज me। चलिए तो क्यों मैं कभी भी हर वो सिचुएशन जिससे इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगी उसे आइडेंटिफाई करके उसको कैसे बचना है नहीं बता सकता इस सवाल का जवाब है ए अलग अलग सरकम है बी अलग अलग तरह की अश्योरेंस एंगेजमेंट है इसलिए अलग अलग तरह की थ्रेट्स होती हैं और उन थ्रेट्स की अलग अलग तरह की सेफ होती है ये तो ऐसी बात हो गई कि यार ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली exactly बता दिया जाए कि क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है और मैं पढ़ लूँ और सी ए पास ही हो जाऊँ क्यों क्योंकि अलग अलग तरह के पेपर सर्कमस्टांसिस होते हैं अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनाना पड़ती है इसलिए टू टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफ ऑडिटर ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड फॉलोइंग तो दोस्तों आप एक चीज समझो अगर आपको ये समझ में आएगा कि ये चीजें आपके इंडिपेंडेंस को प्रभावित करेंगी तो आप इसके लिए क्या कर पाओगे एक्शन भी कर पाओगे सबसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सेल्फ इंटरेस्ट है टकर ऑडिटिंग फॉर्म पार्टनर और एसोसिएट हैल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट सेल्फ इंटरेस्ट हमारा खुद का इंटरेस्ट है कौन सा इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो आप जिसका ऑडिट कर रहे हो उसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कब होगा जब मेरी मेजर फीस उसके ऊपर डिपेंडेंट है अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस पहले आप इन सबको इंडिविजुअली पढ़ो ये मत सोचना कि तुमको इंटर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एमसीक्यू दे देंगे और बोलेंगे एक चार्टेड अकाउंटेंट है जिसकी मेजोरिटी फीस एक ही क्लाइंट से आती है तो बताइए उसके ऊपर कौन सी थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट इंटिमिडेशन थ्रेट फेमिलियरिटी थ्रेट और हमें फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आंसर देना पड़ेगा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बहुत डिफिकल्ट हो गया फाइनल लेवल पे एमसीक्यू तो ऐसे खतरनाक नहीं आएंगे पर अपन तैयारी करके रखेंगे चिंता नहीं अपन दे भी देंगे आंसर तो ये एग्जाम्पल हमें क्या है कभी एमसीक्यू आ गया कि भैया ये कौन सी थ्रेड का एग्जाम्पल है तो अपने को याद होना चाहिए उस तरह से आप पढ़ो पर आएगा नहीं है कुछ तो पहला वो मेजर फीस आपकी एक ही क्लाइंट से आ रही है दूसरा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इसका मतलब कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है हमारा कंपनी इज अवर लार्जेस्ट कस्टमर क्लाइंट हमने कोई लोन या गारंटी ले रखी है या दे रखी है उसे तो दिया अगर उसके भी आप डूब गया तो मेरे पैसे लग जाएंगे उससे ले रखी है तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जाऊंगा क्यों क्योंकि मैं तो उसके एहसानों तले दबा हुआ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट क्या मतलब क्या है अपना ही बिजनेस है फ्रेंड वाइफ की कम नहीं है फ्रेंड की कम नहीं है वाइफ़ की कम नहीं है ऐसा कुछ पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट हम प्रैक्टिस से छोड़ के वहाँ पे जाने वाले तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें जॉब ऑफर मिलने वाला है और कंटेंजेंट फीस सबसे सही तरीका ऑडिटर को क्या करो हम चाहते हैं ना कि ज़्यादा ऑडिट हम ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं ऑडिटर हमें रोके ना दिखाने से तो सीधे ऑडिटर की फीस प्रॉफिट पर डिपेंडेंट है यह है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पाओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें तो में आ गया ये क्या सारे एग्जाम्पल याद रखना है नहीं रे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टाइप का बनाएंगे वो कहा नहीं पर पूछेंगे कि एक ऑडिटर की वही सारी थ्रेट्स हैं इनमें से उसका कहना है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट से उससे बचने के लिए कृपा करके आप गाइड करें कि क्या एग्जाम्पल्स है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के ऐसा क्वेश्चन आ सकता है उसके बाद आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेड सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब क्या है इसका सिंपल सा मतलब कोई बताइए सेल्फ रिव्यू थ्रेड किसी को बोला जाए कि तू खुद ही तेरी चीज चेक कर और बता तूने कुछ गलत किया है तो हमें क्या लगता है कि सामने वाला बताएगा क्या कभी गलती नहीं बताएगा क्यों कौन अपनी गलती खुद स्वीकार करना चाहता है इसे कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट से अपनी कंपनी में अकाउंटिंग भी करवाओगे और बाद में फिर उसी को बोलोगे कि तू ही हमारी कंपनी का ऑडिट कर तो सीधी सी बात है वो गलती निकाल के मैनेजमेंट को बोलेगा या अकाउंटिंग गलत ही है मैनेजमेंट डेक लगाएगा बोले तू ही तो है अकाउंटेंट फिर हमें क्या दिखा रहा है गलत क्यों किया हम बोले आ, नहीं नहीं सही है सही है सही कोई गलती नहीं तो आप कृपा करके ऐसी कोई सिचुएशन में मत पैदा या क्रिएट कर लो जिससे आपको ऑडिट के दौरान उन्हीं चीज़ों को चेक करना पड़े जो आप नहीं करवाई है ऐसा कब होगा जब आप कंपनी के खुद अकाउंटेंट हो या आपने खुद ने कंपनी से कोई लोन ले रखा है दे रखा है कंपनी के बहुत बड़े डेटर वर्कर है तो आप अपनी चीज़ें चेक नहीं करोगे क्यों क्योंकि आप बोलोगे हाँ वो सब तो सही है उसमें क्या गड़ पड़े ये क्यों ऑफर होती है सेल्फ रिव्यू थेट ड्यिंग रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीज इन प्रीवि ऑडिट और नॉन ऑडिट इंगेजमेंट या मेम्बर ऑफ ऑडिट टीम वर्स प्रीवियसली अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लाई ऑफ द क्लाइंट यू थ्रेड का बेसिकली मतलब क्या है आपने लेनी की आपने अकाउंटिंग इन करेंट ईयर या पास्ट ईयर में किए या कंपनी के की मैनेजेरियल पर्सन अब सी ए फॉर्म में है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह, तो बोलेगा अरे मत ही हाथ का किया हुआ है मेरी गलतियां मत निकाल नहीं कर पैसासी थ्रेट एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या होता है आप क्लाइंट के एडवोकेट नहीं हो ये बात अच्छे से समझ लो तुम्हारा काम यह नहीं है कि तुम क्लाइंट को बचाओ तुम्हारा काम है जो सही है उसे बताओ यू हैव टू आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए बचाओ या बताओ हम एडवोकेट नहीं है जिसका काम है बचाना है, हम ऑडिटर है जिसका काम है बताना जो है तो अगर ऑडिटर प्रमोट करेगा अपने क्लाइंट को तो उससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी अहम है नॉर्मली वो कब लेट्स से जब आप क्लाइंट के एडवोकेट बन गए हो कोई लिटिगेशन या थर्ड पार्टी डिस्प्यूट मैं क्लाइंट ने आपको अपॉइंट कर दिया बोले यार मेरा इनकम टैक्स की कोई केस चल रही है तो ये हैंडल कर लें तुम उसके एडवोकेट बन ही जाओगे उसके फेवर में काम करने की बात करोगे शेयर सिक्योरिटी में डील करोगे अगर आप तो ऑब्वियस सी बात है तुम फेवर में करना चाहो अब देखो अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो उससे क्या होगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी आ सकता है और एडवोकेसी थ्रेड भी आ सकता है ऐसा नहीं एक चीज़ से दो थ्रेड भी आ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें Then, familiarity threat. ये क्या है अगर आप बहुत लंबे समय से एक ही एंटिटी का ऑडिट करते रहोगे या एक एंटिटी बहुत लंबे समय से एक ही ऑडिटर रखेगी तो चांसेस है कि दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही मेल झोल बढ़ जाए लंबी दोस्ती अक्सर दोस्तों मोहब्बत में बन जा बदल जाती है सर ऐसी बात है मत करो तो क्या होगा दोस्तों फिर कोई आपका दोस्त है तो आपको उसकी गलतियां भी आप नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो कि चलो ठीक है यार दोस्त है अपना कौन हंड्रेड परसेंट सही होता है यू डोंट फॉलो द आइडियल पाथ करेक्ट पाथ यू फॉलो द पाथ ऑफ फ्रेंडशिप यू स्टार्ट टेकिंग फेवर्स आपकी ऑब्जेक्टिविटी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाती इस कारण से कंपनीज एक्ट में एक नियम डाला गया है कि अब अगर एक इंडिविजुअल को आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो और आप एक लिस्टेड कंपनी या बड़ी कंपनी उसकी डेफिनेशन है तो उस केस में आपको ऑडिटर को पाँच साल यानी एजीएम बोलते हैं पाँच एजीएम में अपॉइंट कर के लिए अपॉइंट करते हैं फिर चेंज करो जैसे आपको पता है रिलायंस के थर्टी फोर ईयर्स तक एक ही ऑडिटर रहे थे चतुर्वेदी इंजल उन्होंने थर्टी फोर ईयर्स तक रिलायंस का ऑडिट किया तो फिर एक्ट में बदला और बोला नहीं यार ऑडिटर बदलो क्योंकि क्या होता है एक ही ऑडिटर अगर आजीवन चलते रहेगा तो उससे दो नुकसान है पहला एक तो कुछ समय बाद वो नजरअंदाज करने लग जाएगा चीज़ों को कि ठीक है यार अपने पुराने लोग दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि उसको मालूम है कि कोई दूसरा ऑडिटर नहीं आ रहा है तो वह बेकऑफ हो जाएगा उसको भी डर नहीं रहेगा कि यार मेरी कभी कभी गलती पकड़ में आएगी केयरलेस हो सकता है फेमिलियरिटी थ्रेट आर सेल्फ एविडेंट नॉकर जब ऑडिटर की रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ सिंपेथेटिक और उसके इंटरेस्ट में हो रही है नॉर्मली ये कब होता है जब आपका लॉन्ग एसोसिएशन चल रहा है क्लाइंट के साथ कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है भैया क्या देखो यहाँ पे प्रोविजन भी दिया गया है कंपनीज एक्ट में रोटेशन के नियम है जो बोलते हैं कि आपको ऑडिटर को पीरियडिकली चेंज करना है हालांकि ये सारी कंपनी पे नहीं लगते बट एटलीस्ट लार्ज कंपनीज में लगता अगर आप गिफ्ट हॉस्पिटैलिटीज एक्सेप्ट करने लग जाओगे क्लाइंट से तो डेफिनेटली आप क्या करोगे आपकी फेमिलरिटी हो रही है अब आपकी क्या हो रही है प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोस्ती में कन्वर्ट हो रही है फॉर्मर पार्टनर ऑफ द फॉर्म अब डायरेक्टर बन गया है कंपनी में घर की बात है क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम वर्किंग इन सीनियर पोजिशन ऑफ द क्लाइंट यानी फेमिलियरिटी थ्रेड यानी कि आपकी क्या हो आपकी रिस्क है कि ऑडिटर क्लाइंट की रिलेशनशिप प्रोफेशनल से घर वाली हो रही है घर वाली बात बन रही है ये अवॉइड करना है तरीके बस याद रखने के और कुछ नहीं हो सकता है क्लाइंट तुमको इंटीमिडेट करे कैसे कि बदल दूंगा ऑडिटर चेंज कर दूंगा हटा दूंगा तुमको तो सर ये तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी था करेक्ट तो हो सकता है एक चीज दो तो जगह थ्रेड की रिप्लेस कर दूंगा मैं तुम्हें तब जब ऑडिटर बोल रहा है भैया ये तो गलत है मैं रिपोर्ट करूंगा और मैनेजमेंट आपको डरा धमका कि ये गलती बोल रहा है कोई गलती नहीं बोल रहा है आपका काम काम कर दूंगा हटाऊंगा नहीं तो केस कर दूंगा आपके अगेंस्ट में तो इंटमिटेटन का मतलब क्या होता है इंटमिटेशन का मतलब होता है बेटा डराना क्या कहा गया है कि ऑडिटर्स आर डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद प्रोफेशनल स्केप्टिज्मीमेट नहीं इंटीडिमे इंटीमिटेट तो क्या होता है आपको आपका काम ढंग से नहीं करने देंगे तो आप इसे कैजुअली पढ़ना है कि एग्जाम्पल को याद करने की जरूरत नहीं है ना ऐसा कि भैया ये वाला कौन सी थ्रेट है जनरल समझ आप ये थ्रेट क्या अब बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ये थ्रेट से आप कैसे बचोगे तो आपको थ्रेट्स किसी तरह से बच सको तो बेस्ट है नहीं बच सको तो रिड्यूस कर लो टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय बिल्डिंग सर्टन सेफ गार्ड्स आपको प्रोविजन कहता है कि सेफ गार्ड्स का मतलब क्या होता है ऐसे एक्शन लेना जिससे आपकी थ्रेट रिड्यूस हो जाए एक्सेप्टेबल लेवल तक भाई हमें मालूम है फीस तो मैं लूंगा क्लाइंट से पर मैं जो एक क्लाइंट से फीस ले रहा हूँ मेरा एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जो मेरी टोटल इनकम का पांच परसेंट से भी ज्यादा है वैसे सैकड़ों क्लाइंट है मेरे एक चले भी जाए रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अब मैं बेकौफ होकर काम कर पाऊंगा क्यों क्योंकि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं तो आपको क्या किया आपने आपने सेफ कैसे बिल्ड किया आपने कोशिश की एक बड़ा क्लाइंटल बनाने की और स्ट्रिक्ट नहीं किया आपने अपना काम कुछ ही क्लाइंट्स के लिए तो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल वही है वी शुड बी एंड अपियर टू बी इंडिपेंडेंट कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देखना है थ्रेट तो नहीं है अगर थ्रेट है तो या तो हम डेजिस्ट करेंगे यानी कि एक्सेप्ट नहीं करना या फिर आप थ्रेड पहले हटाओगे और सेवगार्ड डालोगे फिर एक्सेप्ट करोगे जैसे उदाहरण के तौर पे थ्रेड हटाई कैसे जा सकती है एग्जाम्पल प्रपोज ऑडिटर के पास कंपनी के शेयर है तो पहले आप क्या करो फर्स्ट सेल देन एक्सेप्ट द ऑडिट पहले हल कर दो फिर उसके बाद क्या कर लो और अपनी पूरी टीम को बता दो अपने सारे पार्टनर्स को कि भैया ये ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कृपा करके आप कोई भी इस कंपनी के शेयर्स ना खरीदें ऐसा पर अगर आपको लगता है ऐसा नहीं पॉसिबल है तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे यानी ये बात सही है दोस्तों कि आपको सेफ गार्ड इन बिल्ड करके ही ऑडिट एक्सेप्ट करना किसी ने पूछा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है बेटा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब है कि आपका ऑडिटर में स्टेक सॉरी क्लाइंट में ऑडिटी में स्टेक है जिस स्टेक के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए <coughs> मुझे उसकी मदद करना चाहिए या उसकी भलाई में मेरी भलाई है ये कब होगा जब आपके पास उस कंपनी के शेयर्स होंगे या आपकी मेजर फीस उसी से आ रही है आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है क्लाइंट की ग्रोथ वो सेल्फ इंटरेस्टेड चलो अब आते हैं अपन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे इसके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये कई जगह यूज़ में आएगा आंसर में लिखने को इसलिए आप पहले अच्छे से समझो फिर क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैंडल करना है इसके वो देखेंगे ठीक है पहले थ्रेड्स हो गई सेफ गार्ड टू तो थ्रेड्स हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे चलो पहले वैसे देख लेते हैं उसी तो सेकंड देखा था चलिए आगे के देखते हैं कुछ थर्ड सूर्य कंतम एस कंडक्ट नहीं ये एक्चुअल में आपकी किताब में थर्ड फोर्थ है तो ये फिफ्थ हो गया फाइनल किताब में क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है रमन इज ऑफर अपॉइंटमेंट इज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी वाह बधाई हो रमन भाई पाची पाची वन ऑफ इज डिस्टेंट अंकल्स दूर के अंकल है मासा जी के ताऊ जी के फूफा जी के लड़के के कजिन हेल्ड सम शेयर इन द सेम कंपनी दूर के अंकल ने कुछ शेयर होल्ड कर रखे जिस कंपनी का मुझे ऑर्डर अपॉइंट किया गया होल्डिंग्स अच शेयर बाई डिस्टेंट डि नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोविजन्स ऑफ लॉ नॉट अज इट अफेक्ट इज इंडिपेंडेंस तो कंपनी लॉ में इतने दूर के अंकल के होल्ड किया वैसे कोई दिक्कत नहीं है आप एक्सेप्ट कर सकते हो आपकी इंडिपेंडेंस भी अफेक्ट नहीं हो रही बिफोर ही कुड एक्सेप्ट ही रिसीवड अनफॉर्चुनेट न्यूज ऑफ डेथ ऑफ इज अंकल हुए डाइड विदाउट एनी चिल्ड्रन एक मिनट का मौन रखने के बाद आगे पढ़ेंगे हम ही केम टू नो दैट ही विज नॉमिनी ऑफ दी शेयर हैविंग सब्सटैंशियल वैल्यू जिसे हमने दूर का माना था वो तो हमारे दिल के बहुत उनके हम दिल के बहुत करीब थे इसलिए उन्होंने उनकी विल में हमें नॉमिनी अपॉइंट कर दिया यानी वो जो शेयर उनके पास हमारी कंपनी के रखे हुए हैं वो शेयर अब हमें मिलने वाले ओ माई सिचुएशन में आ गया अब हमारे लिए क्या प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन तो थैंकफुली अभी हम ऑफर किए गए हैं ऑडिटर तो हम इंश्योर करेंगे कि ये शेयर अगर हमें मिलते भी है तो हम इमीजिएटली इसको क्या करें बेच दें और अपने पास ना रखें ताकि सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट ना हो देखे वेन थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एक्सिस्ट ई शुड एक्सिस्ट फ्रॉम टेकिंग द टास्क और एलिमिनेट द थ्रेट और एटलीस्ट पुट सेफ गार्ड टू बिल्ड रिड्यूस दूसप्टेबल लेवल सेम लाइन लिखी हुई है एलिमिनेट रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल एंड बिल्ड सेफ गार्ड होल्डिंग ऑफ शेयर इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी इज इन द नेचर ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड इज कम टू होल्ड शेयर ड्यू टू नॉमिनेशन मेड बाय डिस्टेंट रिलेटिव बिफोर एक्सेप्टिंग दॉइंटमेंट कंसिडरिंग अबाउ यू शुड टेक स्टेप टू एलिनेट द थ्रेट बाय सेलिंग शेयर इमीजिएटली बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंट एकदम सही बोला सेम कंपनी फॉर विच हीज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर कंस्टीट्यूट थ्रेट्स टू इंडिपेंड एक नंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसाउट फोर्टी परसेंट ऑफ इस टोटल ऑडिट फीस फ्रॉम ऑफ़ थ्रेड्स? सेल्फ इंटरेस्ट मुली माधवन प्रोवाइड्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस टू लीडिंग एनजीओ इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्क इज ऑल्सो ऑफर्ड ऑडिट ऑफ एनजीओ आईडेंटिफाइड काइंड ऑफ थ्रेट टू इंडिपेंडेंट से अगर आप ही अकाउंटेंट हो और आपने एग्जाम्पल लिया था एग्जाम्पल है चलिए तो ये कुछ टेस्टी और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस थे जस्ट आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए नॉइस अब आ जाओ बेटा प्रोफेशनल पे चलो डिस्कस करिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता तो है सतर्क रहना अलर्ट ऑलवेज अलर्ट, क्या बोल रहे हो सिर्फ, आख कान खुली रखना ताकि किसी भी चीज को तुम नजरअंदाज ना कर दो किसी भी एविडेंस को तुम नजरअंदाज ना कर दो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सर डरा रहे हो क्या सतर्क रहो जागते रहो अगर चैन से सोना है प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह दोस्तों तो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सारी चीजों को क्रॉस चेक कर जब आप क्रॉस चेक करते हो तो यह मान के नहीं करते हो कि चीजें गलत होगी पर आप यह भी नहीं मान के करते हो कि सब कुछ सही है यानी आप बिना किसी स्पेसिफिक मान्यता के साथ आप जाके चेक करते हो कि मेरी जिम्मेदारी है कि भैया कोई भी चीज़ जब तक मैं चेक नहीं करूंगा मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा जैसे कभी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बोलते हैं सर में दर्द होता है तो दवाई दे दीजिए तो वो क्या करता है बोले ये लो दवाई जाओ हम लोग आपकी डिग्री बताइए हम बोला अरे डॉक्टर साहब तो कहीं गए हुए थे तो जब वो चले जाते हैं तो हम ही बैठ जाते हैं यहाँ पे हम तो बाकी भैया यहाँ पे साफ़ सफाई देखते हैं लाबे तो समझ में ही आ गया तेरी हरकत से बोला यार भैया आपको कैसे समझ में आया बताओ ना आगे से गलती नहीं करे हमने बोला अभी ऐसे दवाई नहीं देते पहले चेक करते बोला हाँ सही बोल रहे हो यार क्योंकि डॉक्टर साहब भी ऐसे कोई भी आता है कोई बोलता है कि ये प्रॉब्लम है तो सीधे दवाई नहीं देते पहले चेक करते आप समझिए अगर डॉक्टर होते और हमने बोला सर में दर्द होता है दवाई दे दो तो बोलता क्या रुको ब्लड प्रेशर चेक कर लेना हाँ कर रुका करो ये सब क्यों करा रहे क्यों करा रहे? <coughs> इसका क्या रीजन है क्योंकि उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि जब तक वो चीजों को क्रॉस चेक नहीं करेंगे वो मानेंगे नहीं कि आप जो बोल रहे हो सही है हो सकता है आप बोलो सर में दर्द है बट प्रॉब्लम सर दर्द की नहीं है एसिडिटी की है जिसकी यहां तक पहुंच गई है उसे ठीक करना पड़ेगा <स्थिण> तो इस पर्टिकुलर लॉजिक से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे वो एक क्वेश्चनिंग माइंड रखे यानी कोई भी चीज उसके सामने आए तो पहले उसको क्वेश्चन करे क्रॉस करे चेक करे तो ही शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड जब वो क्रॉस चेक करे क्वेश्चन करे तो वो ये मान के चले कि कहीं गलतियां निकल सकती है ये नहीं माने कि है गलतियां झूठा फरे भी मकार। चोर है मैनेजमेंट ऐसा नहीं सोचना बेटा आपको ये सोचना है। चेक करोगे तो हो सकता है गलतियां निकल जाए यू शुड मेन अलर्ट टू कंडीशन विच में इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और ऐसी क्या कंडीशन होंगी जिससे देख के उसे लगेगा कि कोई गड़बड़ है फ्रॉड यार हरियाणा में स्टेटमेंट है अपन देखेंगे इसको और इसलिए वो हर ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली असेस करे क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब क्या होता है क्रॉस चेकिंग एंड नॉट बिलीविंग अनलेस क्रॉस चेक और क्रॉस चेकिंग भी डिटेल में तुम दो मिनट के लिए ऐसे समझो तुमने कभी <coughs> मूवी के रिव्यू देखे होंगे तो तुमने सुना होगा क्रिटिक्स रिव्यू क्रिटिकल अक्लेम देखो इसका मतलब क्या है अप्रूवल एंड प्रेस फ्रॉम क्रिटिक्स क्रिटिक्स कौन होते हैं दोस्तों वो जिनका उद्देश्य या काम होता है ओपिनियन बनाना आप मूवी देखने जाते हो तो आप एक अलग तरह से मूवी देखते हो आपके उद्देश्य मूवी देखने की ये नहीं होगी कि मूवी देखते समय आप क्या बोलो इस पॉइंट पर देर इज अ टेक्निकल फॉल्ट इन द मूवी स्टोरी लाइन में कर पड़े आउट ऑफ ऑल दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस सबसे स्ट्रॉन्ग का आप जाओगे मजे करोगे बोले यार अपने क्या करना लोड लेना अपने वो वो थोड़ी ना यूट्यूब पर रिव्यू डालना है तो आप सिंपल ऐसे समझ लो भाई जिसको यूट्यूब पर रिव्यू डालना होता है ना वो कैसे मूवी को इवेल्यूएट देखने जाएगा तो कैसे देखने जाएगा वो निटिग्रिटी समझेगा वो एक एक चीज़ पे फोकस करेगा सिनेटोग्राफी कैसी थी आपकी म्यूजिक कितने थे साउंड इफेक्ट सही समय पर सही आ रहे थे यानी गाने कितने थे कितना टाइम ड्यूरेशन गाना यानी उसका उद्देश्य क्या होता है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना इवेल्युएट करना हम मूवी देखे आ रहे तो हमको किसी को रिपोर्ट नहीं देनी हम जगह पूछता है मूवी कैसी थी बोलते बढ़िया थी अगर आप थी वो पूछता है अच्छा बता उसमें कितने एक्टर्स थे मैंने बोला भाई एक पढ़ेगा वहां पे कोई ऑडिट करने गए थे क्या पिक्चर का देख क्या मजे करके आ गए पर एक क्रिटिक ऐसा नहीं है उसको सब पता है कौन मेजर एक्टर है किसने अच्छा काम किया म्यूजिक किसका था सॉन्ग किसने लिखे लिरिक्स किसके थे डायरेक्शन किसका था वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा तो ये वो लोग हैं जो नॉर्मली तारीफ नहीं करते अगर ये तारीफ कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है इसके मतलब क्या है दोस्तों क्यों क्योंकि इनका काम ही क्या है बेसिकली वैल्युट करना तो आपको क्रिटिकल असेसमेंट करना है आपको ऐसे कैजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे हो आपको उसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है तो क्रिटिकल असेसमेंट मतलब एक ऐसा असेसमेंट जिसके आधार पे आप उसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना सकते अब इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है तो इसके लिए आप इसको याद रखेंगे ऐसे सी ए क्यू क्वेक सी फॉर क्रिटिकल असेसमेंट ए फॉर रिमेनिंग अलर्ट और क्यू फॉर क्वेश्चनिंग आपको इसको बेहतर तरीका है सी ए क्यू की बजाय क्यूएसी से कर लो दोनों में सुनाई एक जैसी ही देगा क्वैक क्वैक यानी एक ऑडिटर हमेशा क्वाक, क्वाक करते रहता है सवाल सवाल पूछते रहता है, और तो है। कहीं कहीं निमोनिक्स लगते दोस्तों कंफ्यूजिंग चीज है अपन बना लेंगे कोई दिक्कत इट सिग्निफाइज दैट ऑडिटर एस टू रिमेन अलर्ट फॉर एवर यू डोंट अ चांस टू बी रिमेनिंग अलर्ट फॉर एवर यानी आप किसके जैसे हो बॉडी गार्ड जैसे हो <laughs> वो भाई हमेशा सतर्क है समझ लो ना आप बॉडी गार्ड आपके हमेशा सतर्क रहेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी के बॉडी गार्ड है या कोई एक्टर एक्ट्रेसेस के बॉडी गार्ड है वो गए अब मोदी जी ने लेते फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति एकदम ही मोदी जी के बहुत ही करीब आ गया एकदम नन्मस्तक हो गया जमीन पर लेट गया पाव पड़ने आ गया तो मोदी जी बहुत भावुक हो गए उन्होंने रुके उठे उठाया उसको हाथ मिलाया उन्होंने कहा सेल्फी लेना चाहता हूँ तो ये पूरे समय पे मोदी जी बहुत भावुक थे लेकिन वो बॉडीगार्ड ज़रा भी भावुक नहीं हो उसकी पूरी नज़र हर समय तक किसके ऊपर थी वो फैन के ऊपर और जैसे ही उस फैन ने एक हाथ से मोबाइल निकाला सेल्फी निकालने के लिए और दूसरा हाथ जेब में डालने गया बॉडी गार्ड ने वैसे ही हाथ पकड़ के थाम लिया भाई दूसरे जेब से कुछ निकाल तो नहीं रहा और बहुत ही कलाकारी के साथ इसका मतलब समझ रहे हो आप हमेशा वो अलर्ट है वो भावुक नहीं होता है बॉडी जैसे रहने अपने इसके बॉडी गार्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बॉडी गार्ड लिख मत देना है कृपा करके तुम फिर मेरे पास फोन आते हैं बोले क्या क्या एग्जाम्पल दे देते हो बच्चों समझने के लिए एग्जाम्पल देता हूं स्टडी विथ एग्जाम्पल सो दैट यू कैन सेट एन एग्जाम्पल विथ योर मार्क्स थैंक यू इट सिग्निफाइज पसंद आई हो तो थोड़ी सी दातियां करो

कॉन्ट्राडिक्ट्री एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेज जो रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिस्पॉन्सेज पे क्वेश्चन करते जिसे देख के आपको फ्रॉड्स अंदेशा होता है और जिसे देख के आपको लगता है कि हमें और अतिरिक्त तो प्रोसीजर्स लगाएंगे लगाना पड़ेंगे इवन अबाउ एज रिक्वायर्ड वेज यानी जो स्टैंडर्ड ने प्रोसीजर बनाया उसके बियॉन्ड भी मुझे प्रोसीजर्स लगाना है ये वो चार कंडीशन है दोस्तों जिसे देख के हमें लगेगा कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए शायद कुछ तो है बड़ दया कुछ तो है बड़ क्या एक तो कॉन्ट्राडिक्ट्री एविडेंसेस हैं कॉन्ट्राडिक्ट एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट है किसी पे भी आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो जैसे कि आपके पास डुप्लीकेट है और ओरिजिनल नहीं है ये पेन दिखती नहीं होगी ना सॉरी डुप्लीकेट है ओरिजिनल नहीं है कंपनी के पास लेट्स से लाइबिलिटी पे डाउट है क्यों क्योंकि अनसाइंड इनवाइज हैं वाउचर समझते हो ना आप जो बिल बिल बनाते ओवर राइटिंग करी हुई है किसी बिल के ऊपर इन के ऊपर खर्चे के तो आपको उसकी लाइवलिटी भी डाउट होगा कॉन्ट्राडिक्टी मतलब वही है evidence, ना कॉन्ट्राडिक्टी एविडेंस समझते हो आर्टिकल शिप में आप ऑफिस में थोड़ा सा लेट पहुंचे सीए ना पूछ लिया क्यों लेट पहुंचे क्यों क्योंकि आप दोस्त के साथ जाते थे दोनों साथ में लेट पहुंचे दोनों को बुलाया और पूछा लेट क्यों पहुंचे दोनों ने एक साथ बोला सर गाड़ी का टायर पंचर हो गया था दोनों से पूछा कौन सा टायर दोनों ने एक साथ बोल दिया एक ने आगे का एक ने पीछे का कॉन्ट्राडिक्ट्री एविडेंसेस ऐसे ही कंपनी को भी कई बार कॉन्ट्राडिक्ट्री एविडेंस मिलते हैं कैसे मैंने बात करी कंपनी से हाँ हाँ फॉर एग्जाम्पल डेटर से कंफर्मेशन मांगा तो उसके हिसाब से बैलेंस जीरो है जबकि हमारी बुक्स में उससे पाँच लाख रुपए लेना आ रहे हैं उसने बोला भाई मैंने तो पेमेंट कर दिया ये कॉन्ट्राडिक्ट्री एविडेंस है तो इसका मतलब अलर्ट हो जाओ कुछ गड़बड़ हो सकती है हो सकता है एरर हो, हो सकता है फ्रॉड हो तो इसलिए अब आप ये भी ध्यान रखें कॉन्ट्राडिक्ट्री रिलायबिलिटी और अगर आपको गड़बड़ दिख रही है तो क्या वो फ्रॉड है क्योंकि फ्रॉड और एरर में बहुत फर्क है फ्रॉड है ना तो फिर अकेला नहीं होगा कई बार हुआ होगा जबकि एरर्स में क्या होता है फ़ायदा खुद भी समझ गए आप एरर्स में नॉट नेसेसरली बी रेकरिंग इन नेचर एंड देन क्या आपको एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे एस ने जो बोला है उत्ते से भी काम नहीं हो रहा है उसके बियॉन्ड हमें प्रोसीजर्स लगाना होंगे ये कुछ कंडीशन है दोस्तों जिन कंडीशंस को देख के आपको लगेगा कि बहुत समय कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ रही है फ्रॉड्स की पॉसिबिलिटी कॉन्ट्राडिक्टी एविडेंसेस क्या एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स और फाइनली क्या हमें रिलायबिलिटी पे डाउट है ठीक है ये आपके कुछ कंडीशंस हैं जो आपके ऊपर डाउट क्रिएट करेंगे किससे रिलेटेड डाउट कि शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिस हो अगर आपको ये चारों कंडीशन आते गया, एक में बिल्कुल आ सकते हैं याद रखना है तो आपके लिए क्या क्या की होना चाहिए सी मत लिखना सी से क्या होता है कंट्रोल बहुत ही कॉमन नोनेक है सबसे पहले तो आप लिखना कॉन्ट्रा फ्रॉड के लिए आप अल एफ लिख लो एक्स्ट्रा के लिए आप एक्स लिखें ई मत लिखें ई से आपको एविडेंस वगैरह लगेगा तो कॉन्ट्राडिक्टी एविडेंसेस मिल रहे हैं आपको फ्रॉड का अंदेशा लग रहा है आपको एक्स बोले तो एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना पड़ रहे हैं और फाइनली आपको रिलायबिलिटी पे डाउट है एविडेंस की ठीक है जी ये आपने ध्यान रखना है तो दीज आर बेसिकली द फोर कंडीशन विच विल क्रिएट इससे कोई निमोनिक आपके बन रहा तो आप बता दो ये वो फोर कंडीशन हैं जिससे आपको क्या रहेगा रिमेनिंग यू विल हैव टू लीव आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ठीक है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है दवाई का तो क्या लिखता है आरिक्स और डॉक्टर ने कुछ कॉन्ट्रा रिलेटेड पिल्स हमें ऑफर करी है और ऐसा करके वो डॉक्टर ने हमें हमारे साथ फ्रॉड कर दिया कॉन्ट्रा पिल्स क्या होती है छोड़िए आप तो फ्रॉड एलेंट डॉक्टर था मैंने एग्जाम्पल वो लिया था ना कंपाउंडर का जो उससे याद रख लेना कंपाउंडर ने फ्रॉड कर दिया था आपको कुछ नहीं है तो कंपाउंडर से ही याद रख लो एग्ज़ैम्पल क्या था कंपाउंड अगर आप अलर्ट रहोगे तो क्या आएगा कंपाउंडर ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन बट हम अलर्ट थे सो वी कुड डिटेक्ट द फ्रॉड तो कंपाउंडर मेडिसिन लिखता है तो क्या लिखेगा आर एक्स क्या और हो गया आपका एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत नहीं है जिससे हमें क्या पता पड़ गया कंपाउंडर सी कॉन्ट्रा डिक्ट्री ऑडिट एविडेंसिस और फाइनली फ्रॉड सी एफ इस तरह से सॉरी 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 बहुत बुरा था आई नो ऐसे आपको लगे तो साथ साथ में बनाते जाना मैं बिलीव नहीं करता इन सब चीज मेरा मानना है बेसिकली अपना फोकस क्या होना चाहिए समझने के ऊपर होना चाहिए बाकी रिविजन से याद हो जाता है जहाँ बहुत ही रेयर ऐसा है कि ये क्या होता है ये सब एक जैसे ही लगता है और क्या है? ये डेफिनेशन जैसी चीज़ है यहाँ पे सेम लिखते ना तो इंस्टीट्यूट मार्क देता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वैक क्वैक कैसा ठीक है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तो आप लिख सकते हो आर एक्स एंड फ्रॉड्स नेक्स्ट फायदा क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म करने से और क्यों जरूरी है ये अगर आप चाहते हो कि आप रिस्क को रिड्यूस करो कौन सा रिस्क कि आप चीजों को नजरअंदाज कर दो जनरलाइज कर दो गलत अजम्पन्स ले लो तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉलो करो कई बार नहीं होता है आपने कभी देखा या नहीं मुझे नहीं बता पर लच्चे घर वालों ने आपको बोला कि यार एक काम कर वो जगह देख क्या या वो गुड्स देख क्या वो सामान देख क्या और बता सब सही है क्या तो अपन ले लेते आप समझिए कि आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो सेकेंड हैंड बाइक आप गए लेने के लिए और आपको लच्चे फॉर एग्जाम्पल हाले डेविडसन को ही सेकेंड हैंड भेज रहा है पहली बात तो हम पहले ही बहुत एक्साइटेड हो गए समझ तो आप या थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ अपन एक आईफोन लेने का हमने देखा ओल एक्स पे कोई आईफोन 15 प्रो बेचराए और पचास हज़ार रुपये में वो महीने भर पुराना है बोला वाह बढ़िया डील है ले लेते ले तो हमने सोचा कि लच्स टू एच आधी से भी कम कीमत पे मिल रहा है वो भी पाँच सौ बारह जी बी अरे वाह मुझे ही आ जाएगी तो आपने पहले ही मन बना लिया है क्या मन बना लिया है कि भैया अपने को लेना ही है तो हमने उससे बात की हमारे ही शहर में हमने बोला ठीक है भैया हम तेरा मोबाइल देखेंगे तू ले के आ जाए अब आ गया लेके नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कई बार हम खरीदने से पहले ही मन बना लेते हैं ख़रीदना है फिर हम सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करते कि हमारा डिसीजन सही है या नहीं है तो हमने उसका मोबाइल देखा पलटा हल्टा के हल से देखा थोड़ा बहुत चला के देखा उसने बोला क्या कर रहे हो ये मैंने बोला नहीं चला के देख रहा हूँ सही चल रहा है बोला भाई एप्पल का मोबाइल है एक साल की तो वारंटी होती है इसमें अगर कोई ख़राबी होएगी तो तुम रिटर्न करोगे ना तो तुमको रिपेयर होके नहीं पूरा नया मोबाइल मिलेगा आती नहीं खराबी लोग इतनी चाहते हैं कि खराबी आ जाए आ जाए आती नहीं जा। क्या कर रहे हो एप्पल का मोबाइल बोला नहीं नहीं सही बोल हम तो ऐसे चेक कर रहे हमला ठीक है भैया ठीक है, है, है थोड़ा पैसे पर कम कर दो उसने बोला एक रुपया कम नहीं होगा हमला फिर रेन दो उसने बोला अच्छा कितना देना हमला हम तो तीस देंगे उसने बोला भैया जवाब ही नहीं होता फोर्टी एट गल दो हमने बोला अभी ये नहीं हो पाएगा चालीस फाइनल उसने बोला चलो डाट हमला चालीस हजार रुपये और इस पर वारंटी वगैरह ये वो सब आप दे देना हमको उसने बोला हाँ हाँ सब दे देंगे कोई दिक्कत ही नहीं और हमने बोला एक बात और जितने हम बोल रहे थे हमारे बड़े भैया आ गए और बड़े भैया आए और उन्होंने बोला क्या कर रहे हैं हमने बोला अरे ये भैया मोबाइल है हमको लगा डांट पड़ेगी उन्होंने बोला अच्छा कौन सा आया बताया कितने का है हमने बताया चालीस में बात की बोला अच्छा जरा दिखा अब हम तो क्या भावुक इतने थे कि हमको दिखने में वो चीजें ही नहीं दिख रही थी ओवर लुक कर रहे थे बड़े भैया ने उसको देखा और देखते से ही पहचान गए हमने एक बेसिक सी चीज ही ओवर लुक कर दी थी क्या कि वो तो मेड इंपोर्टेड था भैया ने बुलाया यार ये तो इसमें लिखा हुआ है मेड इन यूएस जबकि इंडिया में मेड इन यूएस तो आती ही नहीं है मेड इन चाइना और मेड इन प्रो तो इंडिया में बन भी नहीं रहा कभी कभी थाईलैंड वाले आ जाते बट ये तो कभी भी मेड इन यूएस वाला तो आता ही नहीं है ये तूने देखा नहीं बुलाया यार भैया इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा हमने ऐसे ही छोटे लेटर थे तो हमने देखा कि हमने एक ओवर लुक कर दी चीज क्या कि ये यूएस मेड आईफोन है एग्जाम्पल क्या चल रहा है अपन सेकेंड हैंड आईफोन खरीद रहे हैं। तो यूएस में आईफोन निकला जो इंडिया में आता ही नहीं है ये क्या फिर दूसरा हमने ओवर जनरलाइज कर दिए थे कंक्लूजन भैया ने फिर उसको चला के देखा थोड़ा सा डिटेल में चला के देखा तो उन्होंने बोला कि अरे इसके तो एजेस में स्क्रीन का विजन ब्लॉक्ड है तो हमने बोला अरे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता और होगा तो बहुत बढ़िया है अपने को नया मोबाइल मिल जाएगा तो भैया ने बोला बेटा तेने गलत एजमशीन ले लिया कि एप्पल रिप्लेस करता है एप्पल रिप्लेसेज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसमें तो पानी भरा हुआ है या पानी में गिर गया था हमला आपको कैसे बताओ उन्होंने बोला देख पानी में होता है, तभी ऐसा होता है आसपास देख थोड़ी चौक जमी हुई है वाला देख तो सही सही बता हुआ क्या फिर एक्चुअल में कहानी बता पड़ी कि ये सब चोरी होते हैं यूएस में और फिर वहां से स्मगल होकर पोर्ट के द्वारा इंडिया आते और वो बिकते हैं वो वाला आ गया था तो उसमें एक पर्टिकुलर ऐसा कंसाइनमेंट था जो डाक में जिसमें पानी भर गया था बहुत सारे खराब हो गए थे तो वो वाले एक्स्ट्रा कम प्राइस पर बिक रहे हैं और ये वाले आईफोन तो दस दस पंद्रह पंद्रह हजार में मार्केट में मिल रहे हैं कहाँ पे कौन सा मार्केट खान मार्केट दिल्ली थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया पर समझा क्या रहा हूं मैं आपको क्या है दोस्तों मैं बताऊं तुमको पूरा ऑडिट एक समय के बाद एक जैसा लगने लग जाएगा अगर तुम एक्सैम्पल से हर चीज़ अलग अलग नहीं पढ़ोगे ध्यान नहीं रखोगे ये सब जगह एक जैसी बात है तो इसलिए ध्यान रखो तो इसके लिए क्या है अपना सेकेंड हैंड आईफोन बाय करने वाला ये एग्जैम्पल यहाँ पे काम है तो अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिज़म रखते तो आपको मालूम पड़ता है कि भैया एप्पल हर केस में आईफोन नहीं बदलता है अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो पानी में तुमने गिरा दिया तो नहीं बदलाएगा प्लस यूएस वाला अगर इंडिया में आया है तो वो तो ऐसे भी नहीं बतलाना क्योंकि एप्पल बोलता है भैया ये तो हम बेचते ही नहीं है तुम्हारा आया का प्लस हमने ध्यान दिया नहीं कि उसके फंक्शनिंग में कहीं प्रॉब्लम है हमने उसको क्या कर दिया ओवरलुक कर दिया तो आपने ओवर लुक कर दी चीज़ों को आपने जनरलाइज कर दिया कि भैया एप्पल है तो बढ़िया ही चलेगा क्या चेक करना और आपने गलत एजम्पन ले लिया कि रिप्लेस हो जाएगा ये तीन गलतियाँ आपने करी है अगर आप अलर्ट रहते तो आप एक भी गलती नहीं करते इसलिए हमेशा आप क्या रहेंगे अलर्ट रहेंगे इससे कभी भी ओवरलुक नहीं होगा ओवर जनरलाइज नहीं होगा गलत एजॉम्शन नहीं लेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑफेंट तो अल्टीमेटली यही वो कारण है जिससे हम एक एविडेंस मिल जाए तो हम बोलते हैं कि नहीं काम हो गया ऐसा नहीं चलता है हम हमेशा देखते है, हमें हैं हमें सफिशियंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हम रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं जेन्यून स हमें कहीं कोई डाउट है कि ये है बट इन एनी केस नवर द लेस हमें इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी तो कंसिडर करना ही है इसका मतलब क्या है सपोज मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट कर दिया दैट इट हैज वेरीफाइड इन्वेंट्री सेट्स Will we accept it without checking? Of course वाई no. Why? Professional skepticism. मतलब समझो ये वो वाली कि ऐसे दोस्त कि जब तुमको घर वाले फोन लगाते घर वालों ने कॉल किया पूछा कहा तुमने कहा क्लास में तो क्या वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे नहीं अनलेस उनको बैकग्राउंड में डीजे की नॉइज़ आ रही है बस ऐसा नहीं है कि घर वाले फ़ोन करते हैं पूछे कहाँ जा रहा है तो हमने बोला हाँ बस क्लास जा रहे हैं तो वो नहीं मानेंगे ये करने गया है दूसरे शहर में गया है पढ़ाई करेगा बोले कहाँ जा रहा है बोले क्लास में जा रहा हूँ और पीछे दोस्तों की आवाज़ आ रही है बोले अरे अरे बस वो तो गई थे आज की और मत ले तो डाउट हो जाए मतलब कैसा है दोस्तों कि हम नॉर्मली घर वाले हम पे शक नहीं करते कोई पुलिसमैन नहीं है पर डाउट होता है तो फिर छोड़ते नहीं है फिर वो आगे डिटेल में चेक करते हैं तो अगर हमें डाउट है रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन पे या इंडिकेशन है कि फ्रॉड हो सकता है तो ऐसे बोलता है कि फिर तुम रुकना मत फिर अपने ऑडिट प्रोसीजर को इतना बढ़ा दो जितना तुमको लगे जब तक तुमको गड़, पड़, पकड़ तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को डाउट करो अगर संक्षिप्त में कहूं तो पीएस क्या बोलता है पीएसएस यू शुड क्रॉस चेक यू मे बिलीव यू कैन बिलीव देर आर नो फ्रॉड्स अनलेस देर आर इंडिकेशन ऑफ इट और अगर इंडिकेशन है तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे देन इन्वेस्टिगेट इन डेप्थ यानी जब तक गड़बड़ का अनुभव नहीं हो अंदेशा नहीं हो हमें कोई चीजों में ये नहीं मानना है कि चीजें गलत है अरे बीजी डीजे यानी बैकग्राउंड में डीजे मतलब डिस्क म्यूजिक बैकग्राउंड में अरे दिल जले बच्चों तेज म्यूजिक चल रहा है तो फिर वो क्वेश्चन गए तो सर एक बात बताओ अगर मैनेजमेंट पास्ट में हमने ऑडिट किया है और इसकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी हमें पता है पूरी टी भी बहुत अच्छा ऑनेस्ट आदमी है तो क्या हम उसे इग्नोर करके हर साल पूरा ऑडिट करेंगे ऐसा नहीं है हम उसे इग्नोर करेंगे हम कंसिडर करेंगे पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मान लेंगे कि हर वो आदमी अच्छे हैं तो उनसे कोई गलती नहीं हुई होगी okay. हम मानेंगे कि गलतियाँ आने की संभावना हमेशा ओके okay.

इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ने कंफर्म कर दिया कि ऐसा किया है घर वाले क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि नहीं तब करेंगे जब उनको डाउट होगा नहीं तो नहीं करेंगे ऑडिटर्स हैव नॉट आउट एनी अदर प्रोसीजर्स टू जस्टिफाई मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ सिट टैक्स मैटर अंडर अपील इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है ऑडिटर के पार्ट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑडिटर ने जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया उस लेटर पे रिलाई कर लिया कोई दूसरे प्रोसीजर नहीं लगाए वेरीफाई करने के जैसे मैनेजमेंट के कंपनी के लॉयर से बात करना कि इसको पढ़ना समझना इसका मतलब उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं लगाई है चिराग एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ कंपनी इज रेड समवेयर एंगेजमेंट लेटर लेटर सॉरी 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 ये भी पढ़ना पड़े चलो इसी के साथ आपका किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है दोस्तों दिस कम्प्लीट योर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म डिस्कशन एज वेल एंड नाउ वी कैन कम टू एस ए ये आप कह सकते हो कहने के लिए कि आपका पहला स्टैंडर्ड क्या मतलब पहला स्टैंडर्ड है अभी तक अपन ने कोई स्टैंडर्ड एस नहीं पढ़ा है ऐसे टू की कुछ टर्म्स पढ़ी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इंडिपेंडेंस ये सारे एथिक्स के जो पांच प्रिंसिपल थे वो भी 200 में दिए हैं पर वो अपने पूरा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा है ही नहीं हमारे सिलेबस में अलग से पर ऐसे टू वन ज़ीरो पूरे सिलेबस में ही है आपके हालांकि ये इस नाम से नहीं दिया गया ऐसे टू वन जीरो अग्रिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इंस्टीट्यूट से वेडिंग देता है अग्रिंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और बताता है ऐसे दो ऐसा ऐसा बोलता है बात वही है तो अपन दोस्तों पहला स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं टू हंड्रेड एंड टेन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जिसका क्या उद्देश्य है कि अगर तुमको ऑडिटर अपॉइंट किया है तो तुम उस ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले एक बार टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अग्री कर लेना लिखित में ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई झगड़ा या डिबेट ना हो जैसे उदाहरण के तौर पर कभी भी आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप बताओ क्या टर्म्स एंड कंडीशन राइटिंग में लिखवाते हो मैं बताता हूं आपको अपने फास्ट पे अपन कभी किसी दिन अगर एक प्लम्बर को भी बुलाते हैं काम के लिए तो लच्चे फॉर एग्जांपल कई सारे कुछ काम करने थे शिफ्टिंग विफ्टिंग करनी थी तो उससे सब कुछ डिटेल में लिखवा लेते जैसे अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ वाटर प्रूफिंग कराने की जरूरत पड़ गई थी तो उस वाटर प्रूफिंग के लिए हमने जिस व्यक्ति को बुलाया उससे सारी बात करी और उससे सब लिखवाया उसने बोला अरे भाई साहब मैंने बोल दिया ना मैं सब कर दूंगा तो अपना जो व्यक्ति देखते हैं फैसिलिटीज मैनेजमेंट उन्होंने बोला आप सब लिखो क्योंकि उनको बोल रखा है ऐसा करने को उन्होंने सब लिखवाया क्या क्या लिखवाया कि इस कंपनी का वाटर प्रूफिंग मटीरियल यूज किया जाएगा सीमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी की लगेगी इतने एम की वाटर प्रूफिंग की लेयर चढ़ाना पड़ेगी इस दौरान अगर कभी बारिश आ गई तो दोबारा की जाएगी मटेरियल पूरा हम सप्लाई करेंगे लेबर आपकी रहेगी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं रहेगी पेमेंट इतना इस तारीख पे इतना इस तारीख पे इतना रोका जाएगा और एक बारिश तीन बारिश के बाद जाएगा एरिया टोटल इतना कवर किया जाएगा वाटर प्रूफिंग के दौरान आपका जो भी मलबा निकलेगा वो मलबा यहाँ से नीचे उतार के गाड़ी में ले जाके उसको फिकवाने की आपकी जिम्मेदारी होगी पानी की व्यवस्था हम आपको करके देंगे लेकिन ग्राउंड फ्लोर से छत तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी होगी टोटल तो इतने दिन के अंतर्गत अंदाजन काम किया जाएगा और इस हिसाब से आपका पेमेंट रिलीज किया जाएगा नहीं तो क्या होता है ये लोग बाद में क्या करते हैं गड़बड़ हो गया कोई ध्यान देने वाला नहीं है तो ये लेयर थोड़ी सी पतली लगा देंगे मटेरियल कोई दूसरी कंपनी का यूज़ कर लेंगे बाद में बोलेंगे भैया पानी आपने बोला था ऊपर तक आप भिजवाओगे जिवाओगे मलबा हम नहीं फेंकेंगे वो तो आपको फेंकना हम नीचे उतार के रख देंगे ये सब कौन झगड़े इससे अच्छा पहले कर लो क्योंकि जब काम दे रहे हो ना तो वो भी सब मान जाएगा उसको पे एक्स्ट्रा पैसे लेने तो ले लें बाद में क्या होगा फिर कन्फ्यूजन नहीं आएगा तो सब कुछ लिखा हुआ है उसने कई बार कोशिश भी करी बोले लिखा हुआ है भाई देख ले तेरे हाथ कहीं लिखा हुआ है तो ये फायदा है टर्म्स ऑफ अग्रें अरे ये सॉरी अग्रीमेंट की जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको लेटर पे लेके पर लेगा तो यही चीज ऐसे टू हंड्रेड एंड टेन बताती अब सर ये जो आपने अग्रीमेंट में इतनी सारी चीज़ें लगाई इसमें आपने अपने अनुभव से या उस व्यक्ति ने अपने अनुभव से सारी चीज़ें लिख दी क्यों क्योंकि उसको मालूम था ये सारी प्रॉब्लम आ सकती बट ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि आपको भी ये चीज़ें अनुभव के साथ ही समझ में आई हो यानी शायद हो सकता है पहले जब आपने कभी करवाया हो तो आपको इतना ध्यान नहीं रहा हो कि यार पानी का लिखवाना है मलबे का लिखवाना है हाँ तो सही बोल रहे हो तुम उसी से तो गलती कर करके तो सीखे तो सर क्या सीए जो ऑडिट करता है वो भी गलती कर करके सीखेगा नहीं उसको इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड देता है तो इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड ही दे दिया बोला तुम चिंता मत करो सीए बंधु हम तुमको पहले से बता रहे तुम्हारे लेटर में क्या क्या चीज़ें आना चाहिए तुमको वो सारी चीज़ें लिखनी है इससे क्या इंश्योर हो जाएगा कि कहीं कोई चीज मिस आउट ना हो जाए तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने आपको एक स्टैंडर्ड ही दे दे मारा जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 हंड्रेड एंड टेन अग्री टू दर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और अग्रिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जिसमें आपको बताया है कि आप जब क्लाइंट के साथ काम एक्सेप्ट करोगे तो एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें देनी है हमने बताया बस आपको वो लिखना है और क्लाइंट के हिसाब से उसमें जो भी चेंजेस हो कर देना पर एक बात बताइए दोस्तों ये सब करने से पहले क्या इंगेजमेंट लेटर साइन होने से पहले कुछ चीज़ों पे सहमति बनाना होगी क्या हाँ तो सर फीस हमारे को जमना चाहिए और ये सारी चीजें वो सब तो ठीक है ये ऐसे कहता है कि सुनो हम आपको कुछ प्री कंडीशन लिखवा रहे हैं अगर ये प्री कंडीशन जैसा नाम वैसा काम ये कंडीशन हैं जो हमारी प्री कंडीशन है यानी हमारी शर्त है जिस शर्त को अगर तुम मानोगे तो ही हम ऑडिट स्वीकार करें ऑडिट स्वीकार करने से पहले हमारी शर्त है हमारी यानी ऑडिटर की जिसका मैनेजमेंट का स्वीकृति अगर है तो ऑडिट एक्सेप्ट करें नहीं तो रहने दो आगे लेटर, लेटर बनाने की भी बात तो फीस वगैरह प्री कंडीशन में नहीं आती है ऐसे उस पर इतना नहीं देता वो तो मालूम है सीए खुद कर ही लेगा फिर हमने जो प्री कंडीशंस दिए वो क्या दिए वो स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्या स्टैंडर्ड के वो बाद में देखेंगे पहले सबसे पहले देखते हैं प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग ऑडिट तब तक स्वीकार ना करना दोस्तों जब तक मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हम पढ़ चुके हैं पहले क्या होता है वो एक्सेप्टेबल हो है या नहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अब हमने पढ़ा था कि भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है ये वो फ्रेमवर्क है जिसमें बताया गया है कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने यानी इसमें आपका कंपनीज एक्ट हो सकता है ए एस हो सकता है इंडिया हो सकता है आरबीआई के नॉर्म्स हो सकते हैं सारी चीजें आती है उसमें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है इसका मतलब क्या है मैं सपोज किसी बैंक का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ और कम्बक को बैंक मुझे क्या बोल रही है मैं जिस बैंक का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो बैंक मुझे क्या बोल रही है कि भैया हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगे ना वो आरबीआई ने जो फॉर्मेट दिया उसके अनुसार नहीं बनाएंगे हम फेडरल बैंक के अनुसार बनाएंगे मैंने बोला फेडरल बैंक ये कौन होता है बोले यू डोंट नो आई एम सिटी बैंक वहाँ फेडरल बैंक होती है और उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म दी है हम उसी फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हमने बोला अभी ओर चले गए तुम्हें छोड़ गए हमला देख बेटा तू तो इंडिया में अगर बैंकिंग खोल के बैठा है ना दुकान अपनी तो तुझे यहाँ के अकाउंट्स कंपनीज हैरबीआई के नाम्स इन सबसे बनाना है और अगर तो उसके अनुसार यहां पे नहीं बनाएगा तो कंपनीज एक्ट में तेरह पे पेनल्टी लगेगी क्योंकि कंपनी में साफ बोल रखा है फॉरेन कंपनीज को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एस इंडेस बनाने होंगे इंडियन ऑपरेशन के तो पहले तो ये समझ ले तो इंडियन ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर गिवन बाय द आरबीआई के हिसाब से बनाएगा नहीं तो तेरे पे पेनल्टी लग जाएगी और पेनल्टी तेरी इच्छा चल पर ये बात तो भूल जा कि मैं तेरा ऑडिट स्वीकार करूंगा ऑडिट तो स्वीकार होना ही नहीं है ये तो मालूम पड़ा तुमने ये चीज़ ही डिस्कस नहीं करी ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया बाद में उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको दिखाया हमने बोला भाई ये कैसे बना रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऐसे बनते तूने ऐसे बना रखे बोले हमारे यूएस में ऐसे ही बनते हमने बोला हमारा यूएस क्या होता है तो इंडिया में इंडिया की बात कर बोले भैया हमारे पेरेंट वहां पर है हम वैसे बनाएंगे हमने बोला अरे ऐसा थोड़ा ना होता उसने बोला अरे कैसे नहीं होता है हमने ऑडिट एक्सेप्ट किया करो हमने बोला है अरसा बोल रहा है ये चीज हमें पहले ही पूछ लेना थी एक्सेप्ट करने से पहले और तुझे पहले ही बता देना था आप यगड़ के मतलब नहीं इसलिए बोला <coughs> तो गया पहली कंडीशन है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट वट आर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट यहां पर एक शब्द यूज किया गया है टी सी डब्ल्यू जी इट इज डिफाइंड एज मैनेजमेंट एंड टी सी डब्ल्यू जी इफ एप्लीकेबल वट इज टी सी डब्ल्यू जी इज एप्लीकेबल बता रहा हूं यूज एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट एंड बोथ ऑफ देम अग्री ऑन द ऑडिट तो तब आपके पास दोस्तों वापस से वो दिन आ गया है जो अपने को खोलना पड़ेगी वो हमारी टर्मिनोलॉजी वाली की। बुक और इसमें अब हमें डिस्कस करना पड़ेंगी कई सारी टर्म्स अब क्या क्या पढ़ लिया था अपने पहले उसकी नंबरिंग पूरी नहीं हुई है कल ने इंटरनल कंट्रोल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सफिशियंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस हो सकता है अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी आपको पड़ने की इच्छा हो रही है इसीलिए तो ये अपन ने अलग से एक बनाया है चार्ट या नोट अब अपन बात करते हैं टी सी डब्ल्यू जी दो चार्ज विद गवर्नेंस क्या मतलब है इसका ये वो लोगे दोस्तों दिस कैन बी इंडिविजुअल और इट कुड बी लेट्स कमिटी इट कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी फॉर्मेट हो सकता है Who keeps an oversight on management? इसको पूरा इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है 260. ऐसे 260 मैनेजमेंट के ऊपर ये ओवर साइड रखता है टू इंश्योर कंपनी इज बेसिकली टू इंश्योर दैट स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ कंपनी इज करेक्ट टू इंश्योर दैट Accountability of management to prepare financial statements, design, implement, maintain Magi internal controls is established. So they are not basically the one who are into management of the affairs of the company. But to basically keep an oversight on management. few company companies may not have TCWG. Hence management itself will perform the टास्क ऑफ टीसी डब्ल्यू जी एग्जैंपल्स टीसी डब्ल्यू जी के क्या हैं ऑडिट कमिटी अगर कभी आपने सुना इट कुड बी लेट्स अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इट कुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स समझा रहा हूं अभी मैं लिखवा रहा पहले फिर समझाऊंगा अभी क्यों लिखवा रहे हो लिखवा नहीं है क्या कहीं वो अलग बात है दोस्तों तो अपनी परिभाषा अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए एग्जाम में कोट करने के लिए नहीं है <coughs> तो अपने पास थोड़ा फ्री फ्लो है यहाँ पे लिखने के लिए नोट <coughs> <coughs> करो

अब आप समझो इसका मतलब क्या है <coughs> ये आपकी घर में बा दादाजी जो आप कामकाज नहीं देखते हैं, बट बाऊजी ताऊजी नजर रखते हैं। ये यू समझ लो गवर्नर है चीफ मिनिस्टर पर या प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर पर बेस्ट एग्जांपल। आपकी स्कूल में हो सकता है ये ट्रस्टीज और प्रिंसिपल के ऊपर है <coughs> यानी ये वो लोग हैं जिनको इसलिए रखा गया है क्यों क्योंकि इनको मालूम है कि भैया जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कम नहीं चला रहा है तो हो सकता है कई जगह वो क्या करे मजबूरी में भले गड़बड़ करने के लिए नहीं मजबूरी में कुछ ऐसी हरकतें कर दे जो नैतिक नहीं है जैसे लॉ का तोड़ना उल्लंघन करना टैक्स बचाने की कोशिश करना अनैतिक तरीके गलत तरीके से या शेयर की प्राइस बहुत गिर रही है तो उसको बचाने के चक्कर में थोड़े प्रॉफिट बढ़ा के दिखा देना या कंपनी में इंटरनल ऑडिटर ने कई सारी खामियां निकाली है पर उन्हें लगता है कि यार ये खामियां अगर आगे रिपोर्ट हो गई तो हो सकता है कि कंपनी की इमेज काफी खराब हो जाए तो इसे अभी इंटरनल रखते हैं बाहर नहीं जाने देते न्यूज़ छुपाते इंटरनल ऑडिटर को बोलना कि भैया ये रिपोर्ट में मत डाल कंपनी की स्थिति थोड़ी ख़राब है तो हो सकता है मैनेजमेंट थोड़ा फोर्स हो ये करने के लिए कि यार चलो एक काम करते हैं रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करके सेल बढ़ा के दिखा देते हैं। इस साल फिर अगले साल देखेंगे तो इस तरह की सारी चीज़ें अगर कंपनी में होने लग गई खास तौर पर उन कंपनियों में जहाँ पे लिस्टेड कंपनी है पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो प्रॉब्लम क्या आएगी दोस्तों ऐसी सिचुएशन में दिक्कत यह है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है क्योंकि जनता का पैसा आपने लगाया है और आप क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या मैनेजमेंट आपके हाथ में आप एक तरह से मिसयूज कर रहे हो आई आई कर रहे हो जो कि इलीगल है गलत है भाई आपका पैसा होता तब तक ठीक था पर जनता का पैसा है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है जो एक्चुअल है बताना चाहिए अब सवाल यह है कि भैया कंपनी के जो डायरेक्टर हैं जो टॉप लोग हैं उनको कौन मॉनिटर करेगा उनके ऊपर कौन नजर रखेगा तो सीबी ने ऐसी रिक्वायरमेंट डाल रखी है पता है तुमको कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है ना तो उसको कंपलसरली एक बोर्ड बनाना है ऑडिट कमिटी नाम है उसका जिसमें कम से कम तीन डायरेक्टर होंगे ज्यादातर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे इंडिपेंडेंट यानी जिनमें ए जो कंपनी के डोर टू डे बिजनेस नहीं देखते बी जिनमें के पास कोई कंपनी के मेजर शेयर वगैरह नहीं है यानी उनका कंपनी में कोई मेजर फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है ऐसे स्वतंत्र लोग और वो लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी बोर्ड डिसीजन ले रहा है वो सब रिव्यू करें तो ये लोग अलग से मीटिंग करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अलावा और देखते हैं कि बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन पास किए जनरेशन जन जेनर, जेन, आज आंसर्स लिए हैं वो सारी जो डिसीजन लिए हैं वो सब सही है या नहीं इनफैक्ट सेबी ने ऐसा भी बोल रखा है कि लिस्टेड कंपनी में कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करना है तो जब तक ये पार्टी इसको देख के ओके नहीं करेगी तब तक वो ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा ऐसा नहीं है कि कल दिन मालूम पड़ा लिस्टेड कंपनी है डायरेक्टर की वाइफ कलाकार है पेंटिंग बना के बेचती हमने पेंटिंग खरीद ली उससे एक करोड़ रुपए में जबकि मार्केट में वो पेंटिंग पाँच लाख से ज्यादा हम कोई खरीद नहीं रहा था तो ये सब तरीके होते बीच में नहीं सुना था आपने प्रियंका और गांधी से पेंटिंग खरीद ली किसी ने बहुत महंगे में ये सब क्या होते हैं ये सब तरीके होते हैं बेसिकली पैसे इधर से उधर करने के तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी रोकेगी वो बोलेगी भैया ये ट्रांजैक्शन मैं अप्रूव नहीं कर पाऊंगा क्यों क्योंकि उसको कोई डर नहीं है ना तो वो कंपनी का मैनेजमेंट है बी ना उसका कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका काम ही है कि उसको क्या करना है प्रोटेक्ट करना है किसका शेयर होल्डर का स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट ऐसे जो स्वतंत्र लोग होते हैं ना दोस्तों इन स्वतंत्र लोगों को कहा जाता है दोष चार्ज विथ तो ये हर कंपनी में भी नहीं होते है, पता है तुमको प्राइवेट कंपनी में नहीं मिलेंगे तुमको पब्लिक कंपनी में ही मिलेंगे तो जरूरी नहीं है टीसीडब्ल्यूजी जी हो तो जब भी टीसीडब्ल्यूजी डब्ल्यू जी का रेफरेंस देते हैं ना कहीं भी तो उसमें लिखते हैं टी सी डब्ल्यू जी इफ एप्लीकेबल या इफ टी सी डब्ल्यू जी एग्जिस्ट ऐसा हमेशा लिखने का तो अब आपको समझ में आए चार्ज विद गवर्नेंस ठीक है तो क्योंकि ये लोग देखा जाए तो ये कौन हो गए बाऊजी और मम्मी या जब हमारी बात नहीं मानते और दोनों अपनी मिली भगत करके हमको चीज़ों के लिए मना कर देते तो ऐसे केस में आप दादा के पास जाते हो सेम इसी तरह से हो सकता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को उल्लू बनाए या उसको कोई इंफॉर्मेशन ना दे ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा सीए भाई टी जी के पास जाएगा और बोलेगा यार मैनेजमेंट ऐसा, ऐसा ऐसा बोल रहा है प्लीज कंफर्म करो ना चाहिए क्योंकि ये निष्पक्ष लोग ये गलत नहीं बोलेंगे वो भी मिले हुए हो तो क्या हो सकता है सब पॉसिबल है तो देखो हम सिर्फ लेयर्स बना रहे हैं घर में हम बाहर जाते हैं तो ताला लगाते हैं क्यों क्या चोर आएगा तो क्या ताला नहीं खोल पाएगा पर ऑब्वियस सी बात है ताला खोलने में उसको समय लगेगा हो सकता है ना भी खोल पाए चांसेस तो एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी है इसका मतलब ये तो नहीं खुला छोड़ के चले जाए तो कंट्रोल होंगे तो चीजें मुश्किल तो होंगी ना अपन मुश्किलें बढ़ा रहे खत्म तो कर ही नहीं सकते तो ये डब्ल्यू जी पहली चीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था अब एक और टर्म आपके सामने आएगी ऑडिट प्रमाइस ऑडिट प्रमाइस कभी डिस्कस किया है अपन ने ना बेसिक अजम्पन्स ऑफ ऑडिट कहते हैं ऑडिट प्रेमाइज को ऑडिट का बेसिक एजम्पन है किसी को पता है क्या इस बारे में तो बताओ कभी डिस्कस किया था क्या कि अपने क्लास में <coughs> बताओ ना यार और इट का बेसिक एजम्प्शन है दोस्तों क्या दो चीजें पहला प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना पहला बेसिक एजम्पन है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड एस पर Financial reporting framework free from misstatements for which they need to design, implement, and monitor, maintain. इंटरनल कंट्रोल्स टी i m आई क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको कंट्रोल्स पॉलिसीज़, प्रोसीज़र्स, सिस्टम्स बनाना पड़ेंगे उसके बिना आप इंश्योर नहीं कर पाओगे कि सारी चीजें सही चल रही है

And management is responsible to a provide records, documents to auditor for audit. Provide any additional information required for audit. And give unrestricted access to those within the entity. Unrestricted access to those within the entity. Ka <laughs> कोई भी कंपनी के एम्प्लाई है या इंटरनल ऑडिटर है उससे हम बात करें तो मैनेजमेंट हमें मना नहीं करेगा हम ऑडिट रिलेटेड ही बात करेंगे मैनेजमेंट ये नहीं बोलेगा क्यों इंटरनल ऑडिटर से क्यों बात कर रहे थे ऑडिट रिलेटेड बात आप किसी से भी कर सकते हैं हाँ डायरेक्टर की सेक्रेटरी से आप कुछ और बातें कर रहे थे डायरेक्टर को आपत्ति है वो पर्सनल मैटर है अरे सर तो कल दिन मैं ऑडिट करने जाऊँ और मैनेजमेंट को बोलूँ सुनो मैनेजमेंट मुझे ऑडिट करना है और सबसे पहले मैं परचेज चेक करना चाहूंगा लाओ परचेज़ के वाउचर तो बिल्स तो मैनेजमेंट ने बोला ढूंढ लो हमने बोला है उन बोला तुमको ऑडिट करना है तुम ढूंढो हमने बोला हम कैसे ढूंढे आप बताओगे तो ही तो मालूम पड़ेगा उन्होंने बोला हम क्यों पता है तुम्हारी जिम्मेदारी तुम ढूंढो हम लार अजीब आदमी हमने इधर उधर पता किया हमने बोला मिल गए दे बोले हाँ ले लो लार हम क्यों ले आपको देना चाहिए आपकी चीज़ है हम कैसे उठा ले कोई बात नहीं मत उठा मत देखो ऐसे पगले मैनेजमेंट का ऑडिट ही नहीं करना है अपने कहा तो मैंने मैनेजमेंट को बोला ऐसे करोगे तो मैं छोड़ दूंगा ऑडिट तो बोले यार ऐसा था तो तुमको शुरू में ही बता देना था ना कि डेटा भी हमको ही देना है एक्सप्लेनेशन भी हमको ही देना है बात भी तुमको किसी से भी करने की पावर चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट भी हमको ही बनाने हैं इंटरनल कंट्रोल भी हमको ही बनाने हैं तुमको बस आना है और मस्त बैठ के चेक करना है गलती निकालनी और निकल जाना है हमने बोला तो ऐसे ही तो करना है ऑडिटर का मतलब ही यही होता है तुम मैनेजमेंट तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनाना हमारी चेक करना है तुम ये करो हम चेक करें अरे यार कैसी बात कर रहे हो एग्ज़ाम दी होगी ना कभी मैनेजमेंट को सिखा रहे हम कोई पास वास हुए हो कोई डिग्री विग्री दिए कोई कॉलेज वॉलेज गए हो बोले हाँ दिए बी कॉम में पास हुए डबल बी कॉम में हमारा दो बार किया हमला तो एग्जाम होती थी ना तो एग्ज़ाम में क्या होता था तुम कॉपी ही लिखते थे और चेक कोई और करता था तुम थोड़ी ना कॉपी में लिख देते थे चेकर को कि तुम ही अपने हिसाब से लिख लेना हमारा काम चेक करने का बेटा कॉपी कौप। बनाने का नहीं था उसने बोला क्या गजब एग्जाम्पल दिया अब समझ में आया कि ये सारी जिम्मेदारी हमारी है ठीक है अगली बार से करेंगे इस बार तो पढ़ दो ये सब लफड़े ना है इसलिए आप पहले ही एंगेजमेंट लेटर में मैनेजमेंट में को बोल दो सुन ले मैनेजमेंट दो चीजें कान खोल के भगवान ने दो कान तुझे इसलिए नहीं दिए ताकि तू तो इधर और इधर दोनों से सुन सके तुझे दो चीजें दिमाग में फिट करनी है इसके लिए दो कान है पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैने बनाना है उसके लिए इंटरनल कंट्रोल चाहिए तू ने बनाने है। तूने इंश्योर करना है कि जो फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का वो फॉलो हो मैंने नहीं करना है ये सब तेरी जिम्मेदारी तेरी टीसीडब्ल्यू और दूसरे कान से सुन आप ये इसकी हो गई बात इससे सुन तू हमें सारी इंफॉर्मेशन देगा एक्सप्लेनेशन देगा रिकॉर्ड्स देगा ज़रूरत पड़ने पे किसी से भी बात करने के लिए हमें परमिशन देगा विद इन द एंटिटी यहाँ एंटिटी के बाहर बात करनी है तो हम आपसे परमिशन लेंगे ऐसे हम आपके सीधे कस्टमर के घर नहीं पहुंच जाएंगे वो ठीक बात है पर विद इन द एंटिटी अगर तुझे ये दोनों कान से सुनाई गई कंडीशन स्वीकार है तो ही तेरा ऑडिट मैं एक्सेप्ट करूंगा नहीं तो हटात तेरा ऑडिट नहीं करना मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एक्सेस डॉक्यूमेंट्स टू ऑडिटर प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वाड फॉर ऑडिट एंड गिव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोन दी ये चीज ज्यादा अच्छे से यहां लिखी हुई आ जाओ ऑबिट आ जाओ पहला प्री कंडीशन है हमारी यानी कि ऑडिट स्वीकार करने की शर्त है हमारी कुछ शर्तें बिफोर भी accept it होता है ना will you marry me इसने बोला मेरी कुछ शर्तें हमने बोला ओ प्री कंडीशंस बिफोर यू गिव योर एक्सेप्टेंस नाइस सबसे पहली शर्त है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वैसा यूज करे जो कि एक्सेप्टेबल है और वो ऑडिट प्रमाइज को स्वीकार करे क्या है ऑडिट प्रमाइज अरे यही है ऑडिट प्रमाइज वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट से एक्नोलेजमेंट लेना है इनफैक्ट ये ऑडिट रिपीट हो रहा है अब यहां से पढ़ो। ऊपर वाला छोड़ दो यहां से पढ़िए हमें मैनेजमेंट से सबसे पहले तो ये बोलना है पहले अपन बी वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं इफ यू डोंट माइंड हम मैनेजमेंट से एक अग्रीमेंट लेंगे कि मैनेजमेंट अग्रीज एंड इट्स एक्नोलॉजेबिलिटी दैट इट इज द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क एज वेल एज फॉर इंटरनल कंट्रोल एज दे कंसिडर इट नेसेसरी टू डि इंटरनल कंट्रोल में क्या टू डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और दूसरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन का हमें एक्सेस देगा रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो देगा और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ये भी इसी का पॉइंट है टू दो पर्सन आर देयर विद इन एंटिटी जिससे हमें ऑडिट एविडेंस गैदर करना है उससे ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अगर मैनेजमेंट इन सारी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने को तैयार है तो ही मैनेजमेंट में तुम्हारा ऑडिट स्वीकार करूंगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हम दूसरी जगह हमारी दुकान बसा लेंगे तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है ऑडिट प्रमाइस। इसे कहते हैं ऑडिट प्रमाइस। प्रमाइस शब्द का मतलब तो सर लोकेशन होती है ना तो इसलिए इंटर के बच्चे हो, तुम छोटे छोटे इसलिए तुमको मैं प्रमाइस शब्द का मीनिंग बताता हूँ प्रमाइस इंग्लिश मीनिंग इसका एक मतलब अजम्पशन भी होता है बेसिक अजम्पशन जैसे तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना तो बेसिक इकोनॉमिक्स में नहीं होता था कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा एक बेसिक अजम्पशन है कि भैया बायर और सेलर नॉलेजेबल है विलिंग है

तो ये प्रेमाइस का मतलब है ध्यान रखना प्रेमाइसिस नहीं है ये प्रेमाइस है चलिए आपको डाउट तो पूछ लीजिए तो क्या जिम्मेदारी है भैया ऑडिटर की नहीं ऑडिटर की नहीं मैनेजमेंट या पहली जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाएगा दूसरी जिम्मेदारी जानकारी वो देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कैसे बनाना है फ्रेमवर्क के अनुसार कौन सा फ्रेमवर्क जो उस पर लागू होता है फ्रेमवर्क का मतलब क्या है जो भी लॉ एंड रेगुलेशन तो उसको इंडेस फॉलो करना है या एस ये कौन डिसाइड करेगा वो उसकी जिम्मेदारी वो देखे और वो पता करे और बनाए ऐसा कहना चाह रहा हूं तो वो डिसाइड करे वो पता करे वो बनाए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क अब क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हो सकता है उसको इंटरनल कंट्रोल की जरूरत पड़े जैसे आप सोचो एक बैंक है जिसकी दस हजार ब्रांचेस है तो कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी जब तक तो उसके प्रॉपर सिस्टम नहीं होंगे तो ये जो सिस्टम वो बनाएगी इंटरनल कंट्रोल कह रहा हूं जैसे मैं वो सिस्टम बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है ये हो गया पहला ऑडिट प्रमोट का कंडीशन दूसरा क्या है डेटा देना उसकी जिम्मेदारी है खत्म ये प्री कंडीशन फॉर ऑडिट अगर एक्सेप्ट होंगी <clears throat> तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे तो कहा गया है कि ऑडिट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट कई बार हो सकता है कि लॉ ने ही क्या कर रखा हो डिफाइन कर रखा हो जैसे कि कंपनीज एक्ट में क्या है टर्म्स एंड कंडीशन पूरी डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है वहां पे आप क्या है आप क्लाइंट को समझाओ नहीं समझाओ कोई बात नहीं क्यों क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज वहां पे सब लिखा हुआ है मैनेजमेंट की है ये जिम्मेदारी ऑडिटर की है ये जिम्मेदारी डिटेल में समझा है. तो वहां हमें ये सब चीजें लिखा के रखने की जरूरत नहीं है तो कंपनी कैसा बनेगा इंगेजमेंट लेटर उस पर भी आते बट उससे पहले <coughs> कह रहे हैं कि ऑडिट अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट वन सेकंड प्लीज ऑन इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट ईच पार्टी शुड क्लियर द नेचर ऑफ एंगेजमेंट एंड अग्री इन राइटिंग विद एग्जैक्ट स्कोप ऑफ वर्क इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग यह क्या है बेसिकली प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट की नीट और नीट फॉर एन एंगेजमेंट लेटर ये थोड़ी हेडिंग गलत हो गई है नीड ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर क्यों जरूरी है वो रिपीट हो गई गलत हेडिंग है एंगेजमेंट लेटर की क्या जरूरत है <coughs> तो बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन ना इसलिए अगला एंगेजमेंट लेटर के अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए अब आप बताइए जब आप ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ ऑडिट फाइनलाइज कर चुका है और एक अग्रीमेंट बना रहे हैं ताकि उस अग्रीमेंट में चीज़ें लिखवा लें अपन और वो फिर हमारे लिए एक बेसिस बन जाए कि बाद में झगड़े हों तो भाई इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि इसकी क्या जिम्मेदारी तो आपकी उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होना चाहिए तो इन्होंने बहुत सही चीज़ बोली है कि आप सबसे पहले तो क्या करो जिम्मेदारियां लिखवा लो क्या आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है जो अभी अपन ने ऊपर पढ़े ऑडिट प्रेमाइस तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी जो ऑडिट प्रेमाइज में अपन ने पढ़ा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू ऑप रीजनेबल रिजनेबल दैट डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस जो अपन ने पहले पढ़ा तो इसमें समझ में आ जाएगा बोले टेक्निकल लैंग्वेज में कि भैया किसकी क्या जिम्मेदारी है <laughs> और अब ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखता हूं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप सिमिलर चीज होगी हालांकि रीजनेबल एश्योरेंस ऑबटेन करना है इसे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव माना जाता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है ये ऐसे में डिफाइन की जाती है कि हम ऑडिट एज पर एस करेंगे वो क्या होता है आखिरी में पढ़ेंगे अपन ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तब, प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी आइडेंटिफाई करके नोट कर लो तो एंगेजमेंट लेटर कैसा बनेगा एक फॉर्मेट भी दिखा दूंगा चिंता मत आपके आईसीआई के मॉड्यूल में दिया ये लेटर बनाता कौन है? तो ध्यान रखना अपॉइंटमेंट लेटर क्लाइंट देता है ऑडिटर को कि हमने आपका अपॉइंट किया और इंगेजमेंट लेटर ऑडिटर देता है क्लाइंट को जिसमें वो लिखेगा कि हम आपका ऑडिट एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। प्रोवाइडेड आप हमारी इन शर्तों को मंजूर करते हैं तो ये जो लेटर है दिस लेटर इज गिवन बाय ऑडिटर टू मैनेजमेंट फॉर देयर एक्सेप्टेंस इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव स्कोप लिख देंगे हमारी जिम्मेदारियां लिख देंगे मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां लिख देंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिख देंगे कौन तो फ्रेमवर्क मतलब क्या है कि आपका इस पर कमनी घटता है इस पर, पर यह पहले ही डिसाइड हो जाता है जब ऑडिट शुरू होता है ना तभी हम बोलते हैं आपकी जिम्मेदारी है बताओ कैसे बना रहे हो वो बोलते हैं ऐसे बना रहे हैं तो अपन लिख देंगे कि आपका ऐसे ऐसे बनाना है ताकि बाद में झगड़ा नहीं हो कि भैया क्या फ्रेमवर्क था कैसा था तो इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था सिटी बैंक के इंडियन ऑपरेशन हैं तो भी हमने उनसे पहले ही लिखवा लिया कि भैया आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो कंपनीज एक्ट और आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ध्यान रखें तो वो लिखवा लिया और इसके अलावा जो जो रिपोर्ट हम देने वाले हैं उसका कोई एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट है तो वो आप रेफरेंस दे सकते हैं और एक जनरल स्टेटमेंट की हो सकता है कि आगे जाके हमारा रिपोर्ट का फॉर्मेट या कंटेंट चेंज हो जाए ये कब होता है जब लॉ में चेंज हो जाए या एस इस एस चेंज हो जाए और बेसिकली इतना बता देना कि भाई इसके बेसिस पे हम आपको ऑडिट रिपोर्ट देंगे अब बैंक है तो इसके साथ साथ में हम आपको आर के आई रेगुलेशन के अनुसार जो जो रिपोर्ट देना होती है वो भी देंगे ऐसा लिख दीजिए कि आपको ये मिलने वाला है इस असाइनमेंट को ख़त्म करने के बाद फाइनली ये आपका आउटकम है ये एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स एंड कंडीशन है ये सब इसमें लिखवाया जाता है अब सर आपने तो कहा था कि कंपनी एक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में डिफाइंड है तो फिर क्या वहां पे हमें लेटर की जरूरत है क्या नहीं स्टैंडर्ड कहता है कि अगर किसी लॉ में आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो कंपनी ऑडिटर कंपनी एक्ट में ही अपॉइंट होता है उसमें नियम दिए गए आप लॉ में पढ़ोगे तो अगर कोई ऑडिटर कंपनी एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट हो रहा है किसमें कंपनी एक्ट में तो उसकी पूरी ड्यूटीज और मैनेजमेंट की ड्यूटी वहां दी हुई है तो अब आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे तो आपको क्या ये लेटर एस पर ऐसे टू वन जीरो बनाना है नहीं आप सिर्फ एक ऐसा लेटर बना लेना कि हमारा ऑडिट इस एक्ट के अंतर्गत हुआ है और इस एक्ट की टर्म्स से गवर्न होगा लेकिन उसमें भी आप एक काम करना है एक बार तो यह लिखवा ही लेना कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां समझता है काय की जिम्मेदारियां कोई ऑडिट प्रमाइज क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज है इसमें झगड़ा होना ही नहीं चाहिए तो लॉ में बोला है तो समझता ही होगा पर आप फिर भी फॉर सेफर साइड लिखवा लेगा तो अगर एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब डिटेल में कर रखी है एज इन उसमें सब चीजें की कंफ्यूजन नहीं आएगा तो आपको अलग से रिटर्न अग्रीमेंट नहीं बनाना है पर तब बनाना पड़ेगा जब ये लॉ और रेगुलेशन खुद ही बोले कि नहीं एंगेजमेंट लेटर अलग से लोगी प्लस आप मैनेजमेंट से उसकी जिम्मेदारियां तो अंडरस्टैंड करता है कि नहीं वो ये तो आप उससे एक एक्नॉलेजमेंट लेटर ले लेनी इसकेस में आप क्या बोलोगे हमें जो अपॉइंट करेंगे तो वी आर प्लीज टू एक्सेप्ट ऑडिट ऑडिट एक्सेप्टिल बी गवर्न एज पर प्रोविजन ऑफ दी रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू कन्फर्म की वो इट अंडरस्टैंड एंड एक्नोलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रिपेयरिंग फाइनेंशिय स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क डिजाइनिंग इंप्लीमेंटिंग मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर वो सारी ऑडिट प्रमाइज की कंडीशन देना और उससे साइन करा के ले लेना ताकि कोई झगड़ा नहीं तो अगर लॉ ने कंडीशन प्रिस्क्राइब करी है तो आपको लेटर नहीं लेना है एंगेजमेंट लेटर नहीं बनाना है पर आपको कंफर्मेशन एक लेना है कि आप ऑडिट प्रमाइज को एक अंडरस्टैंड करते हो और एक्नॉलेज करते हो और लिख देना कि हमारा इस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंटमेंट हुआ है और अगर लॉ एंड रेगुलेशन खुद बोल दे कि नहीं आपको तो एंगेजमेंट लेटर बनाना नहीं है तो, तो फिर बना नहीं है फिर ये सवाल ही अब सर आप इतनी सारी बातें कर रहे हो तो एक बात बताओ कि सपोज़ कभी ये परी कंडीशन मौजूद नहीं है मैनेजमेंट ने बोला भैया मैं नहीं मानता फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं बनाऊंगा तो मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट ख़त्म हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे कि भैया हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर तुम इस पर तैयार नहीं हो तो तो अगर हमें लग रहा है फ्रेमवर्क ही सही नहीं है यानी मैनेजमेंट बोल रहा है मैं तो यूएस के हिसाब से ही बनाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया के हिसाब से नहीं एक्सेप्टेबल ही नहीं है या मैनेजमेंट अपने ऑडिट प्रोमाइज के सारे मैटर पे अग्री नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे मत करो एक्सेप्ट अनलेस कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है तो बात हर जगह देखो स्टैंडर्ड में और लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो किसकी बात मानेंगे लॉ की क्योंकि स्टैंडर्ड अपने, अपने, अपने आप में आईसीआई ने दिया है कोई कानून जितने पावरफुल नहीं है मेंबर्स पर पावरफुल है पर कानून सबसे सर्वोपरि है तो लॉ में कुछ अलग बात बोलिए तो वो फॉलो सिमिलरली अगर मैनेजमेंट या टीसी आपके स्कोप पे कोई लिमिटेशन डाल रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आप पूरा ऑडिट नहीं कर पाएंगे डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, पर इसका मतलब ये है कि ई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट All areas of audit. तो आप ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे अनलेस लॉ की रिक्वायरमेंट हर जगह ये लिखा हुआ रहेगा मतलब क्या देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मैनेजमेंट ने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया है और आपको कहा है एक्ट है उसके अंदर ऑडिटर अपॉइंट किया और आपको बोला है कि हम चाहते हैं कि आप जल्दी ऑडिट कर दे कंप्लीट इसलिए आप एक काम करो कि आप इस साल कुछ चीजें चेक मत करो अगले साल कर लेना पर आप ऑडिट रिपोर्ट हमें पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो या मैनेजमेंट आपको बोले कि देखो हम आपको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए लेकिन हम आपको दस दिन का ही समय देंगे ऑडिट करने के लिए या मैनेजमेंट बोले ब्रांच पे जाने की परमिशन नहीं होगी आपको यहीं बैठ के ऑडिट करना पड़ेगा ऐसी कोई भी कंडीशन अगर तुम पर मैनेजमेंट डाल रहा है जिससे तुम्हें लग रहा है कि तुम ऑडिट पूरा नहीं कर पाओगे डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन मतलब क्या हुआ यू विल नॉट बी एबल टू ऑप्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन बिफोर फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन तुम्हें लग रहा है कि तुम वो नहीं कर पाओगे तो आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो लॉ ने बोला है तो बात अलग अल लॉ क्यों बोलेगा जैसे आरबीआई कहता है कि अगर आप बैंक के ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो तो आपके पास ये पावर है कि आप बैंक का ऑडिट करते समय बैंक की ब्रांच पे जा सकते हो पर अगर बैंक की कोई ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है तो वहाँ से आप सिर्फ डेटा मंगा सकते हो जा नहीं सकते नहीं तो मालूम बड़ा ऑडिटर बढ़िया मस्त पेड हॉलीडे मना रही है क्लाइंट की पे एनी चीज तो ये बेसिक कुछ कंडीशन है दोस्तों जिन्हें हम क्या कहते हैं प्री कंडीशन और ऑडिट नहीं होगी तो क्या होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये सब कुछ इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अदरवाइज आज का हमारा डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होता है ऐसे टू हंड्रेड एंड टेन का पार्ट बाकी अब अपन कल डिस्कस करेंगे थैंक यू